उस होटल में जो गए थे तो उसका जो बोलते हैं चेक इन का रेट बहुत हाई बोल थे, तो आप दूसरे होटल में जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या रेट फिक्स होता है। इतना अगर हम एक ही दिन में दे देंगे तो अगले दो दिन क्या करेंगे। दूसरा होटल के रूम चेक करने जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हिसाब है। ये है दूसरा रूम, तो ये भी ठीक ही है। तो गाइस रूम ले लिया है, कल चेक आउट टाइम 12 बजे का है, तो 3000 लिया अपने रेंट रूम का। तो ठीक है, अभी फेस्टिवल टाइम है तो इतने मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी मिलना मुश्किल सा रूम। पहले वाला 4000 बहुत, तो 4000 से 3000 तो ठीक ही है, डिवाइड हो जाएगा। इधर है तू, तो इसको रूम ही भूल गया, इसको अभी भूल गया, ये बाद में क्या करेगा रूम को। तो ये देखिए मेन सिटी में, बिल्कुल मेन सिटी में हमने रूम लिया। तो ये देखिए क्या व्यू है यहाँ सर, ये देखिए हिल स्टेशन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रूम। ये देख, ये है व्यू, ये मेन बस स्टैंड भी पास है, ये घर भी पास है, बस स्टैंड बिल्कुल पास ही है, नीचे में जहाँ से आते वो बस स्टैंड ही है। तो देख सकते हैं ये है रूम, ये टीवी लगा, पता नहीं यहाँ पर कौन सा चैनल आएगा। बंद कर दे विंडो, और ये मैं हूँ, मैं नेट लगा चलाना है, फ्री वाईफाई है। तो ये देखो इसको कोई जानता है, पता नहीं कौन आ गया मेरे साथ, ये मैं तो नहीं जानता इसको। कौन है तू, है कहाँ से आया? मैं लग गया। और अभी चेक इन कर लिया हमने, तो थोड़ी देर रेस्ट करके मुंह धो के अब पड़े खाना खाने, सुबह के भूखे घूम रहे हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर खाने के लिए क्या मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भी तमिलनाडु की तरफ वही मिलेगा इडली डोसा, या कुछ और स्पेशल मिल सकता है। अब देखते हैं जाके क्या मिलता है यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, देखते हैं आसपास कोई रेस्टोरेंट मिलता है कोई। तो ये देख कितना टूरिस्ट है, अभी हॉलीडेज टाइम है तो छुट्टियां हैं, तो अभी सभी स्कूल्स और नॉर्मल टूरिस्ट बहुत है अभी। ये ऊटी मेन चौक, और यहाँ पर हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनका पुतला बनाया हुआ है। खाना खाने, तो काफ़ी देर हो गई थी चपाती खाई हो, तो अभी सोचा थी चपाती खा लेते हैं। ये क्या ग्लास में क्या करेगा, फाइंड आउट ब्लॉग। यहाँ पर यही है बियर बियर ना जो होती है, इन टूरिस्ट स्पॉट तो यही है कि यहाँ पर अगर पानी पियोगे तो पानी गर्म ही देंगे, तो अगर ठंडा पानी हमें ऐसे आधे से पीने के, तो वो हमें बाई करना पड़ेगा, पीने के लिए गर्म पानी देंगे। देखते हैं चपाती और कोमा ऑर्डर किया। क्या कर रहे हैं तू, मजे ले रहा हूँ? किसके मजे ले रहा है? लोगों के। बियर टेस्टी थी कि नहीं? बियर टेस्टी थी, बियर गर्म थी यार, ठंडी में मजा आता है, गर्म में आएगा। कोई नहीं, करते हैं हम चिल्ड बियर दे लिए, टेंशन मत कर। कहाँ करें, कौन सी चिल्ड? ये देखो गाइस मेरे को क्या मिला है, वाइट फर्ड कैट। ये आ गई हमारी चपाती, और ये रही साथ में वेजिटेबल्स ग्रेवी, मिक्स वेजिटेबल ग्रेवी। क्या देख रहा है, अब कर दे शुरू। और ये आ गया हमारा सांभर भी।
कैसा लगा खाना? लगा बताने कैसा खाना है? अच्छा। कितना अच्छा? 10 में से कितने? 10 में से 2 फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। कितने चपाती खाई? बस क्यों मज़ा नहीं आया कोई? क्या आना चाहिए था मज़ा? शाम को डोसा नहीं खाएंगे, शाम को हम परौंठा खाएंगे, परौंठा या तो बिरयानी खाएंगे। कौन सा वाला? ये वाला डोसा? नहीं नहीं, या तो परौंठा खाएंगे या तो ये खाएंगे। बस कर दे, उनकी कटोरी लेके जाएगा साथ में क्या? ना ना, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा सिर्फ। खाना खा लिया हमने, अब हमारा दूसरा साथी आ रहा है, उसको लेने जा रहे हैं बस स्टैंड पे। तो फिर देखते हैं कोई जगह, एक दो जगह कवर कर लेंगे घूमने के लिए। पीटू मज़ा आया खाने खाने का? साथ आ, मज़ा बहुत ज़्यादा। इसको तुम मज़ा बोलते हो? ये मज़ा तो हाँ, खाली पेट को भर दिया तो वो मज़ा ही तो हुआ। टेस्ट आया कि नहीं आया वो तो अलग बात है ना, पेट तो भर गया ना। पेट भर गया। आप चलते हैं, आप यहाँ पर नीलगिरी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जाएंगे, पहले अपने साथी को पिकअप कर लेते हैं, वो आ रहा है पीछे। ये है ऊटी बस स्टैंड, यहीं से जब हम घर जाएंगे तो यहीं से जाएंगे, यहाँ पर लगेगी मेट्रोपलियम की बस या सामने वाली। ऊटी का दिल टूट गया, कोई नहीं कोई नहीं, ऊटी हम जोड़ देंगे, टेंशन मत लो, हम आ गए ना, अब नहीं, अब हम जोड़ देंगे।